से लगातार कोरोना की स्थिति थी बिहार में, ऐसी स्थिति में आरटीपीसीएस काउंटर जो हमारे एक्टिव होने थे वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लगभग 5200 जगह पर, 8000 में से 5200 जगह पर, 5209 जगह पर हमारे आरटीपीसीएस काउंटर खुल चुके हैं और हम लोगों ने तय किया है कि 15 अगस्त तक हम 8000 से अधिक जो हमारे पंचायत हैं सभी जगह हम आरटीपीसीएस काउंटर खोल लेंगे। और 15 अगस्त से ये भी रूपरेखा तय कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद एक टाइम लिमिट कर दिया जाएगा कि प्रत्येक दिन आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे, जिससे कि गांव के लोगों को प्रखंड और ज़िले में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वहां से अपनी शिकायत जिला और प्रखंड लेवल पर कर सारी सुविधा, क्योंकि जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो भी प्रमाण पत्र हैं, राशन के अप्लीकेशन है, सब वहां से कर सकेंगे। सर, इसमें समस्या ये आई, जानकारी मिली है कि लॉगिन पासवर्ड भी ना देने के कारण से कर्मचारियों नहीं, को वो सेंड। सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं, अगले 1 महीने में ये सारे प्रोसेस पूरे किए लिए जाएंगे। और 15 अगस्त से ये जरूर मैं मान रहा हूँ कि बिहार में जो पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर खुलने हैं उसको हम सुचारू रूप से चला पाएंगे। सर, जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखाया आपने? हाँ, स्वाभाविक है, जिलाधिकारी जी को ये आग्रह किया गया है कि आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि हम निर्गत नहीं कर पा रहे हैं पंचायतों से, तो ऐसी व्यवस्था करें कि आप पूरी तरह कैसे पंचायतों में इसकी पूरी व्यवस्था हो सकती है। सर, एक सवाल और है सर, पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारी काफ़ी तेज चल रही है, क्या कुछ सर समय सीमा कुछ अभी निर्धारित नहीं हुई कुछ? ये बेसिकली राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, कोरोना और बाढ़ दोनों की स्थिति की समीक्षा उनको करना है, उसके समीक्षा उपरांत इस तरह का निर्णय लेना है कि चुनाव की घोषणा कब होगी। सर, तो नंबर अगर जुड़वाने का समस्या है तो पता नहीं।